सीधे चलता हूँ संजीव झा जी के पास। संजीव झा जी, विरोध आप भी कर रहे हैं, विरोध पाकिस्तान भी कर रहा है, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? और देखिए दीपक जी, मुझे ये लगता है कि आप अगर इस देश के जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं तो हम विरोध ना करें इसलिए निकले कि पाकिस्तान से कोई ट्वीट आ जाता, मुझे समझ नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, एक बात समझिए, बात दिशा की नहीं है। बीजेपी को हमेशा एक नैरेटिव तैयार करता है, जब छात्र सड़क पर आंदोलन करने लगे तो कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जब वकील आंदोलन इसी दिल्ली में कहा तो उन्होंने कहा कि ये विदेशी ताकतों की हाथ है, जब किसान सड़क पर बैठे तो कहा ये खालिस्तानी है, किसी ने कहा आतंकवादी, किसी ने कहा कोई साजिश है। ये तमाम साजिश जब फेल हो गई तो अब दिशा को इस तरह से गिरफ्तार करके किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, जब हम कहते हैं कि 21 साल की लड़की, हमारा ये कहना है कि दिशा रवि का ट्रैक आप ट्रैक देख लीजिए कि वो क्लाइमेट को लेकर लड़ती रही है, लोगों को अवेयर करती रही है, अवेयर सिटीजन है, उसका अपना एक व्यू पॉइंट है। जिस टूल किट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली बताइए उस टूल किट में ऐसा क्या लिखा जिससे देश को खतरा, ये तो बताना चाहिए ना। अगर एडिट हुई तो ऐसा क्या एडिट हो गया दो लाइन जिससे देश को खतरा हो गया, अस्मिता को खतरा हो गया, अखंडता को खतरा हो गया। मेरा यह कहना, मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं का भी डिबेट में देख रहा हूं, हमें वो कहते हैं कि ये बुरहानवानी भी 21 साल का था, कोई आतंकवादी कशाब भी 21 साल का था, तो इन ये भी जो बात कर रहे हैं इनको भी टूल किट से ही इंफॉर्मेशन सारे प्रवक्ताओं को दिया गया है। हर पार्टी या कोई एसोसिएशन या कोई संगठन जब बातें करती है अपनी तो कोई इंफॉर्मेशन का बेसिस तैयार करता है। तो मेरा यह कहना है कि उस टूल किट में ऐसे दिशा ने क्या कर दिया जिससे इस देश विरोधी गतिविधि हो गई, वो देश को खतरा हो गया, ये तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन बात ये नहीं है, ये नैरेटिव तैयार करके कोशिश की जाती है कि ये देशद्रोही है, देश के लिए खतरा है, ताकि आप आंदोलन को दबा दें। मैं एक बात बता दूं कि आज आप बड़ी अच्छी बात है कि दिशा की माता पिता ने कहा कि हमने बीजेपी को वोट किया था। एक बात समझ लीजिए, आप चाहते अगर आप मानते हैं कि हमने बीजेपी को वोट कर सुरक्षित रख दिया तो आप भी जिस दिन आपने कह दिया कि पेट्रोल 100 का पार क्यों हो गया, अगर आपने कह दिया सिलेंडर 900 रुपये क्यों हो गया, तो कल को आप भी देशद्रोही ना हो जाए इसका कोई नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज ये जागने का वक्त है। और मजे की बात है कि जो आपातकाल के समय जनतंत्र की रक्षा करने वाले लोग कहते हैं मैं जनतंत्र की रक्षा किया, हम जेल गए, आज वही लोग इस जनतंत्र का गला घोंट रहे हैं। तो मुझे लगता है, लेकिन इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, बहुत संघर्षों के बाद देश को आजादी मिली है, जनतंत्र इतने जनतंत्र आप इतने आसानी